नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ठीक पीछे है सीतापुर कचहरी, आपको माल गोदाम दिखाई दे रहा होगा सीतापुर का। और आज के वीडियो में सीतापुर जंक्शन से सीतापुर सिटी जंक्शन के बीच जो दोहरीकरण का कार्य लटका पड़ा है, आखिरकार ये कब पूरा होगा, कब तक यहाँ पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जाने की संभावना है, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सीतापुर जंक्शन से सिटी जंक्शन के बीच ताज़ा स्थिति क्या है कार्यों की, इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेट ट्रेन जा रही है सिटी जंक्शन की तरफ, सीतापुर सिटी जंक्शन की दिशा में। यहाँ पर भी जो काम होने हैं आप देख सकते हैं, कैची वगैरह पॉइंट किस प्रकार से पड़े हुए हैं स्लीपर्स। और ये एनआई जब यहाँ पर लिया जाएगा, प्री एनआई और एनआई के काम जब चलेंगे, उसकी डेट अभी आनी बाकी है, तो फिर ये कार्य यहाँ पर सीतापुर जंक्शन पर होने हैं। रोजा से बुढ़वल तक के सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन फ्रेट कॉरिडोर के नाम से मशहूर है, क्योंकि अधिकतर इस पर मालगाड़ियों का दबाव है जिनको निकाला जाता है। और ये दो जोन्स में बटा हुआ है, उत्तर रेलवे की जो हमारी जोन है वो बुढ़वल रोजा सेक्शन में, रोजा से लेकर के सीतापुर सिटी जंक्शन तक लगती है, जिसके बाद सरैया नदी का पुल पड़ता है, सराय नदी का पुल के बाद फिर हमारे NER जोन लग जाता है बुढ़वल तक। और रोजा से बुढ़वल या बुढ़वल रोजा हमारा जो सेक्शन है, इसमें सिर्फ अब बीच का तकरीबन 2.75 किलोमीटर का जो सेक्शन है यही बाकी रह गया है, जिसमें उत्तर रेलवे के सिटी जंक्शन को हमारे NER में जो हमारा सीतापुर जंक्शन है इसमें जोड़ना है। तो बीच का ये जो सेक्शन है अब 2.75 किलोमीटर का, लखनऊ मंडल और मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ये दोनों सेक्शंस आते हैं, जिधर हम खड़े हैं अभी सीतापुर जंक्शन की साइड, आगे सराय नदी पड़ती है, तो उससे पहले का जो सेक्शन है सीतापुर कचहरी वाला, ये NER हमारे लखनऊ मंडल में आता है और ठीक नदी के बाद उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल लग जाता है। तो पूरा ये सेक्शन अब डबल लाइन हो गया है लगभग, बस 2.75 किलोमीटर का सेक्शन हमारा बाकी है बुढ़वल से लेकर के रोजा तक और रोजा बुढ़वल के बीच में। तो काम यहाँ पर जो चल रहा है, देखिए अभी ये पुरानी मीटर गेज की जो बिल्डिंग है उसके सामने यहाँ पर ट्रैक्स रखे हुए हैं, और ये सभी काम जो है जब NI होगा उसके बाद तेज़ी के साथ इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। यहाँ पर सामने सीतापुर जंक्शन है, देखिए आप देख सकते हैं, और अभी पुराने ट्रैक पे जो मौजूदा ट्रैक है, जो हमारा पुल है, उस पर कॉशन लगा हुआ है, तो ट्रेन्स बहुत धीमी रफ्तार से जाती हैं जिसके कारण समय बहुत लगता है इस लगभग 2.75 किलोमीटर को कवर करने में। अगर दो मालगाड़ियाँ दो अलग अलग स्टेशन्स पर खड़ी हैं तो आधे घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है इनके क्रॉस कराने में, और जब नया डबल ट्रैक ये तैयार हो जाएगा उसके बाद ही आप मानिए कि फिर कुछ नई रेलगाड़ियां मिलने की संभावना है, या जो हमारे लखनऊ ऐशबाग की दिशा से, लखनऊ जंक्शन की दिशा से, अगर बरेली की दिशा में कोई ट्रेन मथुरा कासगंज अगर चलाते हैं तो ये जब सेक्शन पूरा डबल लाइन हो जाएगा नए पुल से, मतलब कि जब रफ्तार बढ़ते गाड़ियाँ निकलेंगी ट्रेन्स, उसके बाद ही संभव होगा। तो आगे चलते हैं लेवल क्रॉसिंग की तरफ, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या हाल है। तो वर्तमान समय में ये जो बाएं हाथ का ट्रैक आप देख रहे हैं यही अभी चालू है, और ये जो नए ट्रैक यहाँ पर अभी डाले गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट वगैरह, ये अभी कनेक्ट नहीं है ना, तो आगे दो नंबर प्लेटफॉर्म में ये ट्रैक अभी जोड़ा गया है, और ना इसकी कैची को अभी ये जो फ़िलहाल मौजूदा हमारी
मुख्य लाइन आगे यहाँ पर जा रही है, इधर सामने तो सीतापुर जंक्शन है और इधर ये जो मुख्य लाइन अभी जा रही है इसके अंदर अभी जोड़ा जाना बाकी है यहाँ पर। तो ये आप फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी काफ़ी काम बाकी है, अब एनआई के समय ये सारे कार्य तेज़ी से खींचे जाएंगे, इनको पूरा किया जाएगा। तो दाएं हाथ पर ये जो ट्रैक जा रहा है ये हमारे लखीमपुर मैलानी सेक्शन है जिसका ट्रैक आप देख रहे हैं, और उसके ठीक बाद यहाँ पर टावर वैगन शेड बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए अब कैची वगैरह सेट हो गई है और यहाँ पर दो ट्रैक्स कर दिए हैं कैची डाल करके, एक ट्रैक अंदर टावर वैगन शेड के अंदर जा रहा है और एक ट्रैक ठीक बाएं हाथ पर स्टॉपर लगा है उसके बाहर है। तो अगर ओएचई वैन के साथ साथ कोई टावर वैगन या कोई अगर हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहां पर पार्क करना चाहें, खड़ा करना चाहें, तो उसके लिए यहां पर पर्याप्त जगह है आगे, और वायरिंग आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ वायरिंग भी हुई है, ये भी हो गई है। और इधर हमारे जो ट्रैक हैं ये जाएंगे सिटी जंक्शन की दिशा में जिस पर अभी आगे कार्य होना है, और एनआई की डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है क्योंकि शायद छठ पूजा के बाद अब लोग वापसी कर रहे हैं, विशेष ट्रेन्स चल रही हैं, शायद इस कारण से विलंब हो रहा है। और उम्मीद है कि दिसंबर तक हर हाल में डेट आ जाएगी क्योंकि ये सेक्शन दिसंबर में हर हाल खोल करके इनको देना है, इस पर रेलगाड़ियों का जो संचालन है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सीतापुर जंक्शन से अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सिटी जंक्शन की दिशा में, सामने सीतापुर जंक्शन है जहाँ पर 0594 जो ट्रेन आई थी उसका लोको रिवर्सल हो गया है, अब ये 89 बनकर शाम को 5 बजे यहाँ से जाएगी। तो कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, आगे चल करके देखते हैं क्रॉसिंग की दिशा में कि क्या कार्य हो रहा है। इस एंगल से आपको हम दिखाते हैं, देखिए जो टावर वैगन शेड यहाँ पर बनाया गया है उसके पास किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए दो ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक अंदर जा रहा है शेड के और दूसरा बाहर है जहाँ पर एक छोटा प्लेटफॉर्म भी बाएं हाथ पर बनाया गया है। तो इस पर ओएचई वैन है या कोई लोको है वो यहाँ पर आकर के उसकी पार्किंग की जा सकती, दो या तीन लोको यहाँ पर आ जाएंगे, इतनी स्पेस है जो दो ट्रैक्स यहाँ पर डाले गए हैं। इधर हमारा एसएसपी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो दो ट्रैक्स जा रहे हैं इनकी फ़िलहाल ये स्थिति है, आप देखिए। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं स्टॉपर लगा हुआ है, पूर्व में भी जब हमने किया था इस दिशा से वीडियो सीतापुर जंक्शन सिटी जंक्शन की दोहरीकरण का, तो आपको बताया था कि इसी के आगे ट्रैक कंटिन्यू करेगा, बाएं हाथ पे पुराना ट्रैक है, फिर अलाइनमेंट आगे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा जैसा कि होता है जब भी दोहरीकरण होता है, तो नया ट्रैक कभी कभी कहीं पर दाएं हाथ पर होगा, फिर कहीं पर वो बाएं हाथ पर चला जाता है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी डबलिंग में ट्रैक की सेटिंग की जाएगी, अलाइनमेंट किया जाएगा। अब एनआई कब होता है, नॉन इंटरलॉकिंग प्री एनआई हमारी कब डेट आती है, कब से यहाँ पर कार्य शुरू होते हैं, तो पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म होगी डेट। लेबर जगह जगह लगी है, कुछ काम कर रही है। तो सीतापुर जंक्शन की दिशा में जो ये ट्रैक आगे जा रहा है, इधर यहाँ पर ये स्टॉपर लगा है क्योंकि जो ट्रैक सीतापुर जंक्शन की दिशा से सिटी जंक्शन की तरफ चलेगा वो यहीं से आगे जोड़ा गया है यहीं से, अभी स्टॉपर नहीं हटाया, जब ये एनआई के काम होंगे यहाँ पर तभी ये हटाया जाएगा। ऊपर वायरिंग आप देख सकते हैं ओएचई की गई है यहाँ पर। तो जिस तरह से पीलीभीत से माला की तरफ जाने पर पीलीभीत वाले ट्रैक में स्टॉपर लगा है, ठीक वैसे ही आप समझ लीजिए अभी स्टॉपर लगा है, यानी कि ट्रैक अभी अधूरा है आगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल्स भी नए वाले लगा दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देखिए ट्रैक के ऊपर जो कैची वगैरह है सब कुछ रखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व में एक बार हमने आपको दिखाया था। अभी मुख्य कार्य लेवल क्रॉसिंग के ऊपर होगा क्योंकि ट्रैक वहाँ पर बहुत पास पास आ गए थे जैसा आपको हमने दिखाया था,
जिसके कारण से जब सीआरएस साहब को बुलाया गया था उस समय लतीफ़ खान साहब को, तो उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कि ट्रैक की जो दूरी है मानकों के अनुसार नहीं है, कम है। ये लोकेशन बॉक्स आ गए L44, तो ये सिग्नल से भी हम आपको सामने की दिशा से दिखाते हैं। देखिए आगे लेबर लगी है, काम चल रहा है। सीतापुर जंक्शन की दिशा में जो कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है चालक बुलावा सिग्नल के लिए, यहाँ रुकिए, तो अभी जो वर्तमान में सिग्नल यहाँ पर जल रहा है ये हमारा सिग्नल नंबर 30 है सीतापुर जंक्शन का, जो कि अभी फंक्शनल है रूट इंडिकेटर के साथ। और उसके ठीक पीछे नया सिग्नल यहाँ पर लगा दिया गया है जो भी जल नहीं रहा है, वो बाद में जलेगा जब यहाँ पर कार्य हो जाएंगे नॉन इंटरलॉकिंग के, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो नए सिग्नल्स जो हैं वो जलने लगेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्स रखे हुए हैं। आज 85 भी बहुत लेट है, इस समय अब आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है यहाँ से। मैलानी जंक्शन से चलकर डालीगंज जाने वाली विलम्ब से चल रही है, तो ये फिलहाल ट्रैक की स्थिति यहाँ पर है। बैलस्ट आसपास ढेर है। तो देख सकते हैं आप मैलानी की दिशा से, लखीमपुर की दिशा से ट्रेन हमारी अब पहुंच रही है सीतापुर जंक्शन के ऊपर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इसको लिया जाएगा। और विलंब होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे आगे कोहरा पड़ेगा तो मुझे लगता है इस रूट की जो रेलगाड़ियां हैं, एक तो सिंगल अभी रूट है ये, सिंगल लाइन हमारा, तो और भी पिटेंगी कोहरे में। तो ट्रेन देखिए पहुंच रही है धीरे धीरे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रही है। डिब्बों की संख्या भी बहुत कम है, मुझे लगता है कि 17-18 डिब्बे की कम से कम ट्रेन अब चलानी चाहिए रेलवे को। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ 12 डिब्बे की ट्रेन बहुत कम डिब्बे हैं, लोड बहुत है, यात्रियों का दबाव बहुत अधिक है। बल्कि अगर प्रॉपर 22 डिब्बे की ट्रेन चले तो वो अधिक बेहतर होगा सेकेंड सीटिंग के साथ। तो ये हमारी ट्रेन का देखिए आगमन सीतापुर जंक्शन पर हो गया है, मैलानी लखीमपुर होते हुए सीतापुर जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन। अब आगे चलते हैं लेवल क्रॉसिंग की तरफ, दिखाते हैं वहां पर क्या काम चल रहा है फिलहाल। तो देखिए रेल को शिफ्ट किया जा रहा है, किस प्रकार से नमस्ते रेल को यहाँ पर ले जाती है लेबर, आप देखिए किस प्रकार से, जैसे पुली का काम होता है क्योंकि बहुत भारी होती है रेल, तो देखिए व्हील्स के ऊपर किस तरह से, और एक तरफ दबाव दिया जाता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा दाहिने हाथ का ट्रैक है जिस पर अभी ये गुड्स ट्रेन जा रही है सीतापुर जंक्शन,
ये माल गोदाम से आ रहा है। बीच में ये जो ट्रैक इनकम्प्लीट आप देख रहे हैं, ये नया ट्रैक डाला जा रहा है। इसके ठीक बाएं हाथ पर ये जो ट्रैक है, इस पर माल गाड़ियाँ आती हैं सिटी जंक्शन से। ये ट्रैक अकेला ट्रैक, सिंगल अभी चल रही है लाइन। ठीक बाएं हाथ पर इसके फिर एक और ट्रैक यहाँ पर पड़ा है। मुझे लगता है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, जब NI के काम होंगे तो इस ट्रैक में मिलाया जाएगा और इसको थोड़ा सा हो सकता है शिफ्ट कर लिया जाए, ताकि फिर जो गैप है ये बीच में जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये भी हटेगा। यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है ठीक बीचों बीच, ये हटेगा और गैप बहुत कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैप है कर्व के पास, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, गैप ठीक मिल रहा है, लेकिन आगे लेवल क्रॉसिंग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर कचहरी वाली साइड और ठीक लेवल क्रॉसिंग के ऊपर ट्रैक काफ़ी पास पास आ जाते हैं। जो नज़दीकी है उसकी वो मानकों के अनुसार नहीं है, इसी कारण से अभी यहाँ पर ऊपर ट्रैक भी इनकम्प्लीट है और OHE भी देखिए इनकम्प्लीट है। अभी OHE के काम नहीं किए गए यहाँ पर, जब तक फाइनल अलाइनमेंट नहीं हो जाएगा ओके, तब तक OHE पर ऊपर कार्य नहीं होगा, तार नहीं लगेगा। और मोहम्मद लतीफ़ खान साहब जब आए थे, उनको बुलाया गया था स्पेशली, जब वो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी NI सर्किल हुआ करते थे, लेवल क्रॉसिंग के ऊपर वो खड़े हुए, तमाम नाप जोख हुई और उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि दूरी जो है कम है, CRS निरीक्षण में ट्रैक फेल हो जाएगा, ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रेन्स के आपस में लड़ने का खतरा है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता जब यात्री गाड़ियां चलती हैं। इसीलिए रेल संरक्षा आयुक्त उनको कहते हैं कमिश्नर रेलवे सेफ्टी। तो सेफ्टी का जो शब्द है रेलवे में, सुरक्षित सफ़र हो आपका, वो बहुत आवश्यक है होना। बिना सेफ्टी के, बिना सेफ्टी चेक्स के, ऑडिट के, कोई भी ट्रैक क्लियर नहीं किया जाता है। इस कारण से यहाँ पर ये पेज फंस गया और अभी तक देखिए इतना समय बीत गया है, सीतापुर जंक्शन से बड़वल जुड़ गया, लेकिन अभी सीतापुर जंक्शन और सिटी जंक्शन 3.25 किलोमीटर ये कार्य पूरा नहीं हो पाया था। अब यहाँ पर नई लेवल क्रॉसिंग के ऊपर जो हमारे गेटमैन साहब का केबिन है नया, वो भी नया बन गया है, उसको आपको हम अभी दिखाते हैं पास से। तो माल गोदाम से ये गुड्स ट्रेन निकल करके जा रही है, तो जल्दी ही NI की डेट आनी चाहिए, मुझे लगता है दिसंबर में हर हाल में आ जाएगी, क्योंकि अभी छठ पूजा की ट्रेन्स जा रही हैं, तो शायद अभी NI नहीं मिल पा रहा है इनको। वैसे 24-25 तारीख के आसपास कह रहे थे कि संभावना है कि शायद डेट मिल जाए। नया सिग्नल लगा है, आप देख सकते हैं बाएं हाथ पर सिग्नल, नए सिग्नल यहां पर लग गए, इरेक्ट हो गए हैं। लेबर लगी है, तो सामने अगर आप देखिए जहाँ कर्व है गैप, वहाँ पर कितना कम है। जो मालगाड़ी के डिब्बे आ रहे हैं, अगर आप देखिए ट्रैक थोड़ा सा गौर करिए, ध्यान दीजिए, तो ट्रेन निश्चित लड़ जाएगी। आप देखिए बिल्कुल भी गैप नज़र नहीं आ रहा है मोड़ पर, बहुत करीबी मामला है वहाँ पर। इस कारण से जब लतीफ़ खान जी आए थे तो उन्होंने ट्रैक को कहा था कि ये पास नहीं हो पाएगा, इसमें गैप आप बढ़ाइए या ट्रैक यहाँ पर दो करिए। तो देखना होगा किस तरह से अभी जो गैप है उसको बढ़ाते हैं। फिलहाल सिटी जंक्शन की तरफ से गुड्स ट्रेन आ रही है, हम लोग पहुँच गए हैं अब लेवल क्रॉसिंग के ऊपर।
जिस ट्रैक पर अभी हम लोग इधर चल रहे हैं इस पर बस गुड्स ट्रेन आती है, बाकी टाइम ये ट्रैक खाली रहता है। तो दूरी ना होने के कारण सिटी जंक्शन और सीतापुर जंक्शन के बीच दोहरीकरण अटक गया, नहीं तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तकरीबन 7-8 महीने 9 महीने पहले ही ये कार्य हो जाता। पर गैप यहाँ पर बहुत कम है, जिसके कारण से सारा का सारा दोहरीकरण यहाँ पर बीच में लटक गया, NRNER के बीच में, दो जोन्स के बीच में काम अधूरा रह गया, लटक गया। दाएं हाथ पर सफ़ेद चमचमाता हुआ जो केबिन आप देख रहे हैं, अब ये नया केबिन है, जिससे कि जो बूम है, नए बूम यहाँ पर लगेंगे, वो संचालित होंगे और ऊपर यहाँ पर एक सड़क का जो पुल होता है, ऊपरगामी सेतु, वो भी आ रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है। सामने सीतापुर कचहरी हो जाएगा, इधर माल गोदाम है, उसी की ठीक बराबर में सीतापुर कचहरी है। इस प्रकार के हॉल्ट भी हालांकि कोई अब फायदे का सौदा नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये नया केबिन है जो तैयार हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रैक को भी जोड़ लिया गया है, कल परसों में अभी हाल ही में ये काम हुआ है यहाँ पर। और ऊपर OHE आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी शिफ्ट होगी तो वहाँ से तार निकाल दिया गया है, जो ब्रैकेट्स लगाए गए थे